नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपको पता है कि क्वारंटाइन सेंटर में अब तक 10 लाख से ज़्यादा लोग आ चुके हैं और प्रवासी मजदूरों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। ट्रेनें बढ़ गई हैं और खबर आ रही है कि दानापुर से लेकर हर स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, तो संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ गया है। संक्रमण की रफ्तार भी बहुत तेज हो गई है। जो रिपोर्ट आ रही है हेल्थ डिपार्टमेंट की, उसके अनुसार 200 से ऊपर रोज नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। अगर यही रफ्तार रहा तो बिहार की हालत बहुत चिंताजनक हो जाएगी। इस बीच बीजेपी ने जमकर निशाना साधा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। आपको पता है कि जब से लॉकडाउन है, नीतीश कुमार लगातार अपने आवास में ही बैठकें कर रहे हैं और कहीं पर बाहर गए नहीं हैं। न तो किसी क्वारंटाइन सेंटर पर गए हैं और ना ही किसी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर मजदूरों से मिलने गए हैं। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे मजदूरों से वो बातचीत कर रहे हैं, उनका हालचाल ले रहे हैं, लेकिन बीजेपी को ये सुहा नहीं रहा है। बीजेपी ने तगड़ा हमला किया है अपने ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। संजय पासवान बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, MLC हैं और वो शुरू से ही नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। और अब उन्होंने कहा है कि अब कब तक AC में रहिएगा, आप AC से बाहर निकलिए और घूमिए फिरिए, क्वारंटाइन सेंटर जाइए, देखिए क्या हाल है मजदूरों का। आप कह रहे हैं कि हलवा पूड़ी खिला रहे हैं, तो ज़रा खुद जाकर देख लीजिए कि आपके अधिकारी खुद हलवा पूड़ी खा रहे हैं, मजदूरों को भूखे बिलवा रहे हैं। तो संजय पासवान ने बहुत तगड़ा हमला किया है और उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी लगातार घूम रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर पर जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, वो प्रवासियों के बीच बने हुए हैं, उनके दुख सुख में साथ खड़े हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। संजय पासवान का कहना है कि नीतीश कुमार को लगता है कोरोना का डर सबसे ज़्यादा सता रहा है और वो मुख्यमंत्री आवास के कमरे से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। अधिकारियों से भी मिल रहे हैं तो 10 फीट की दूरी बरत रहे हैं। तो बहुत तगड़ा हमला बोला है। वैसे संजय पासवान पहले भी लॉकडाउन के बीच मंदिरों को खोले जाने की मांग कर चुके हैं। उनका कहना है कि लोग 2 महीने से लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, लोग कुंठित हो गए हैं, अगर ऐसी ही स्थिति रही तो लोग पागल हो जाएंगे, घर से बाहर अगर निकलने नहीं दिया जाएगा तो। और ऐसे में मंदिरों का खोला जाना बेहद ज़रूरी है क्योंकि वहाँ जाकर लोग प्रार्थना करेंगे, उनका आत्मबल बढ़ेगा, संबल बढ़ेगा और भगवान के मंदिर में की गई प्रार्थना कभी बेकार जाती नहीं है, तो कोरोना से भी निजात मिलेगी। तो एक बार फिर बता दूँ कि बीजेपी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बहुत तगड़ा हमला बोला है और लग नहीं रहा है कि बीजेपी JDU की यह सरकार है। जिस तरह से बीजेपी सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल रही है, वैसे JDU के नेताओं से पूछेगा तो यही कहेंगे कि बीजेपी में तो केवल एक ही नेता है बिहार में, सुशील कुमार मोदी, और केंद्र में अमित शाह हैं, PM मोदी हैं, 3 के अलावा कोई कुछ बोलता है उसका हम नोटिस नहीं लेते। तो लेकिन जिस तरह से नेता लगातार मुख्यमंत्री की मुखालफत कर रहे हैं, उससे रिश्ते की सच्चाई तो सामने आ ही जाती है। सच है कि रिश्ता अब बहुत गहरा नहीं है, दोनों में प्रेम का रिश्ता नहीं रह गया है, अब ये मजबूरी हो सकती है गठबंधन, लेकिन दोनों एक दूसरे के निशाने पर हैं और मौका मिलने की देर भर है। मौका मिलेगा तो कोई किसी को छोड़ेगा नहीं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि बिहार में क्या चल रहा है। एक तरफ NDA है, एक तरफ महागठबंधन है, दोनों के बीच स्थिति लड़ाई है। महागठबंधन को भी बहुत कमज़ोर आंकना ये बुद्धिमानी नहीं होगी NDA के लिए। ये NDA के नेताओं को भी पता है और शायद यही वजह है कि बीजेपी के नेता नीतीश कुमार पर विपक्ष की तरह निशाना साध रहे हैं, ताकि नीतीश कुमार से अगर लोगों का मोह भंग हो तो बीजेपी से वो जुड़े रहें। क्योंकि बीजेपी के नेता कैमरे पर आकर तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने प्रवासी मजदूरों को बिहार आने से मना कर दिया, जिस तरह से कहा कि उनको घुसने नहीं देंगे, उससे काफ़ी खराब संदेश गया है। लेकिन बीजेपी ने इसको संभाला है, विशेष ट्रेनों की शुरुआत करके बीजेपी ने इसे संभाला है। नीतीश कुमार पर दबाव बनाकर प्रवासी मजदूरों को, छात्रों को बिहार वापस लाने के लिए, उससे बीजेपी को फायदा हो रहा है। और RJD के नेता शिवानंद तिवारी भी मानते हैं कि कोरोना संकट काल में सबसे ज़्यादा फायदे में बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी ने नीतीश कुमार को भी डॉक में खड़ा कर दिया है, उनको भी कटघरे में खड़ा कर दिया है और खुद सारा श्रेय लूट लिया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना बेहद ज़रूरी है, करिए। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।
आपको लग सकती है कभी कि आपके मन की बात हमारा चैनल नहीं कर रहा है, तो हम किसी के मन की बात नहीं करते हैं, जो हमें लगता है कि सही है वही बात करते हैं। मुझे लगता है कि आप समझेंगे, पत्रकारिता की भी एक मर्यादा होती है। कभी आपको लगेगा कि आपके पक्ष में चीज़ें जा रही हैं तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, कभी लगेगा कि आपके अनुकूल चीज़ें नहीं पत्रकार बोल रहा है तो आप दुखी हो जाएंगे। लेकिन मेरा आग्रह है कि अगर आप चाहते हैं कि पत्रकारिता निष्पक्ष रहे तो आप इस तरह का दबाव मत बनाइए, इस तरह की उम्मीद मत पालिए। हम विश्वास दिलाते हैं कि हम बिल्कुल निष्पक्ष हैं, हम किसी पार्टी के प्रवक्ता की तरह काम नहीं करते हैं। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है और इसे आगे भी बनाए रखिएगा। धन्यवाद।